हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके पास अपना एक नया प्रोडक्ट जो अभी बस ब्लैक से ड्रॉ ही किए हैं, मैं उसको आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है। इसे हम लोग लाइव में साथ साथ बनाए भी थे, इसलिए ये आपका भी हक बनता है कि आप देखें कि ये आपको कैसा लग रहा है, आप लोगों ने जो बनाया सो क्या लग रहा है, कैसा प्रोडक्ट क्या निकल करके आया है। और दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक बात, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए लोग आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, जब आप खोलिएगा यूट्यूब, उसमें एक बेल के तरह का बना हुआ रहेगा, उसमें वो ब्लैक कलर का रहेगा, उसी को दबा देना है तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, वो उसको वाइट कर देना है। ये देखिए, तो चलिए अपने प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं। ये देखिए, ये प्योर देसी टसर बाई टसर है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। देखिए, बहुत ही फाइन है, कि जरा सा भी गिच्चा सिल्क नहीं है, इसलिए मोटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैं ये भी लगवाई हूँ, जो कि इसको बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा है। अब देखिए, इसको मैं पूरा खोलती हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर चारों ओर इसी तरह से बॉर्डर है, इसके बाद ये बॉर्डर। अभी मैं इसको करना स्टार्ट की हूँ, फिर मैं जब इसको पूरा कंप्लीट करूँगी, कलर करते करते हम लोग जो है लाइव में भी करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, तब इसमें हम लोग कलर करेंगे साथ में। मैं थोड़ा करना चालू कर दी थी, ये तो मैं आपके साथ की थी, लेकिन इसको मैं स्टार्ट कर दी थी, फिर मुझे याद आया कि अरे इसे तो मुझे आपके साथ करना है, तो मैं इसको स्टॉप कर दी हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी साड़ी, ये साड़ी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पूरी साड़ी तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जितना दिख रही है मैं उसको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी साड़ी का ये बॉर्डर है, पूरा मोर इस तरह से बना हुआ है, मोर सुंदरता का प्रतीक है, जो कि इस तरह से है। इसमें अभी मैं इसको बस ब्लैक से की हूँ, मैं बस ब्लैक से आपको दिखा रही हूँ, जब ये कलर होगा तब फिर मैं आपको कलर वाला वर्जन भी दिखाऊंगी। ठीक है, हाँ दोस्तों, मैं ये दिखा रही थी, ये देखिए बॉर्डर था, ये चारों ओर इसी तरह से बॉर्डर है, ये देखिए, ये चारों ओर इसी तरह से है, और इसके बाद ये मोर का जो ये मोटिफ है, मोर और कली और फूल पत्तियों का ये जो मोटिफ है, ये जो बॉर्डर है, ये पूरे जो मोटिफ बनाए हैं राम सीता स्वयंवर का, उसके चारों ओर ये इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए, चारों ओर इसी तरह से है, ये चारों ओर एक ही वे में जा रहा है। इसके बाद देखिए, अब मेन चीज़ जो हम लोग साथ में बना रहे थे, ये ज्यामिति पैटर्न, बगल में टेबल पर जो है शंख रखा है, और ये दिया के लिए है, ये सब रखा हुआ है, प्लस ये रेड कारपेट एरिया, जैसा कि मैं आपको बताई थी, ये टूटा हुआ धनुष, इन सभी में हम लोग को कलर करना है, और इस कलर के साथ साथ ही जो है इसमें डिज़ाइंस भी डालेंगे। ये सब मैं डिज़ाइन अभी छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहले मैं इसको गोल्डन से कलर कर दूंगी, फिर मैं इस पर डिज़ाइन डालूंगी। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सीढ़ी का कितना सुंदर लग रहा है, ये सीढ़ी का लुक, और फिर यहाँ ये अल्पना, क्योंकि अरिपन मिथिला में बहुत ज़्यादा है, हर शुभ काम में अरिपन बनता है, इसलिए यहाँ पर हम अरिपन बनाए हैं। अब देखिए, अब यहाँ का मेन आकर्षण इस साड़ी का, ये देखिए, सीताराम स्वयंवर, ये देखिए, इसमें सभी चीज़ों को दिखाया गया है, सीता हैं, राम हैं, सीता के साथ उनकी बहनें हैं, उनकी दोस्त हैं, सखियां हैं, सभी हैं, जो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। बहुत देखिए, बहुत ही सुंदर, अत्यंत महीन कार्य। इधर गुरुजी हैं, गुरुदेव हैं, लक्ष्मण हैं, राजा जनक हैं, और जो बहुत सारे राजा आए थे स्वयंवर में, उन सबको भी मैं यहाँ दर्शाई हूँ। जितना मैं दर्शा सकती हूँ उतना मैं दर्शाने की कोशिश की हूँ। अब यहाँ तो सीता की बहनें और सखियाँ हैं, इनकी माताएँ कहाँ हैं? माताएँ चूँकि जो है नीचे बहुत ज़्यादा लोग सब हैं, तो इसलिए वो नीचे नहीं रहेंगी, इसलिए वो झरोखे में हैं। ये देखिए झरोखा, झरोखे में सीता की माता, उनकी चाची और जो भी जो संभ्रांत औरतें हैं वो लोग यहाँ हैं। झरोखे में भी कितना सुंदर बनाया गया है, ये हाथी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, मतलब कि इन लोगों में धैर्य है, ये इसको दर्शा रहा है कि इनमें धैर्य है, इसलिए यहाँ बैठी हैं। ये खंभे राजमहल को दिखा रहा है, कि राजमहल के खंभे खूब बहुत ही आलिशान, बहुत ही आकर्षक हैं, वहाँ की खिड़कियाँ, ये देखिए खंभे। इसके बाद राजमहल के ऊपर का दृश्य, ये देखिए राजमहल के ऊपर का दृश्य,
अत्यंत सुंदर, अत्यंत भव्य बनाने की कोशिश किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मैं अपनी कोशिश में सफल हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। अपना भरसक मैं कोशिश की हूँ मैं इसे अत्यंत भव्य स्वरूप प्रदान करूँ। ये देखिए, ये पूरा हम एक बार में दिखा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको मैं पूरा भव्य स्वरूप प्रदान करने की काफ़ी कोशिश की हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि मैं इसमें कहाँ तक सफल हो पाई हूँ, इसमें मुझे क्या और करना चाहिए। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा कि क्या इसमें और कमी है, मैं उसमें और क्या करूँ जो ये बहुत ही और भी आकर्षक बने। ये देखिए, अब चूँकि राम सूर्यवंशी हैं, यहाँ देखिए मैं सूर्य को भी दी हूँ, सूर्य भगवान भी यहाँ छत पर बैठ आकर के देख रहे हैं। ये सभी चीज़ों को मैं इसमें करने की कोशिश की हूँ। अब मिथिला पेंटिंग हो और मछली ना हो तो फिर कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, यहाँ इस मोर को यहाँ क्लोज की हूँ, ये जो मोटिफ था इसको इस मोर से क्लोज की हूँ। इसके बाद फिर मैं ये मछली का की हूँ, यही मछली साड़ी के ऊपर वाले पल्लू में, ऊपर वाले पार्ट में, और यही नीचे के बॉर्डर में, नीचे में भी बॉर्डर में यही है। प्लस यहाँ ये देखिए ऊपर में, ये पूरा का पूरा ना 2.25 मीटर के लगा गया। तो ये चूँकि आगे में रहेगा तो इसमें मोर दी हूँ जिससे कि ये उल्टा ना लगे, मोर किसी भी एंगल से रह सकता है। और फिर ये पुष्प वाटिका थीम जो कि नीचे की ओर साड़ी के नीचे के बॉर्डर में रहेगा। ये बॉर्डर दोस्तों 18 इंच का बॉर्डर इस पर बना है, बहुत ही सुंदर। इनका 18 इंच आप नाप सकती हैं। मेरी आधी साड़ी, ये देखिए आधी साड़ी यहाँ पर है, आधी साड़ी के आसपास में है, तो देखिए समझ ही सकते हैं कितना सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये पुष्प वाटिका थीम है और फिर साड़ी में एक और थीम डाले हैं, यही जो मोर का थीम था ये भी साड़ी के नीचे में इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से ये पूरी साड़ी चलती चली जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, मोर में भी ना बस कचनी और ये सब भरनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें पूरा डिज़ाइन से भरे हैं। नीचे भी जो औरतें हैं उसमें भी मैं डिज़ाइन डाली हूँ, ये नहीं कि बस सीधे कचनी भरनी करके ख़त्म कर दी है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरी पूरी साड़ी है। अब आप लोग ये बताइएगा, एक मिनट मैं जरा फिर से ठीक कर दूँ। अब ये देखिए, फिर से देखिए, ये फिर सोमवार का सीन है, इसको फिर से देखिए। अब आप लोग बताइएगा कि ये आप कैसा बना, इसमें मैं और क्या करूँ जिससे ये और भी अच्छा लगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए लोग हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते रहते हैं, जो भी बनाते हैं आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, उसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख पाएँ। ये देखिए बहुत ही महीन वर्क, ऐसा आपने जल्दी किसी साड़ी में नहीं देखी होगी। इससे पहले मैं ही एक साड़ी बनाई थी, उसमें मैं यही चीज़ दी हूँ। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये कस्टमर के ऑर्डर पर ही करती हूँ, बनाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क मैं ऐसे ही बना के नहीं रखती हूँ, पता नहीं कोई ले पाएगा नहीं ले पाएगा। तो जब कस्टमर ऑर्डर कर बुक कर देते हैं तभी मैं इसको बनाती हूँ। तो आपको भी चाहिए तो आप जो है कस्टमाइज़ करा सकती हैं मुझसे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो मैं उसमें आपको अपने एफबी पेज का लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ मैसेंजर में जाकर के मुझे जो भी आपको डिमांड है आप वो बता सकती हैं। ओके गाइस, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। फिर हम लोग जब सब कलर वर्जन करेंगे तो हम लोग लाइव में करेंगे, और फिर जब वो पूरा कलर हो जाएगा तो फिर हम लोग शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय।